इसमें आप देखें बर्थ डिटेल 20/9/2004, 15:03 दिल्ली। 2004 का बर्थ है, तो ये अब जो है कॉलेज में, तो इनका पूछना है कि क्या ये कॉलेज शिक्षा के लिए विदेश जाकर शिक्षा लें या यहीं लेना ठीक होगा, ये प्रश्न है। ठीक, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे ऐसा सोचें। तो क्या कहां से विचार करें, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है ना? नाइन्थ भाव से करेंगे सर, उच्च हाँ, शिक्षा तो सबसे पहले नवम का देखेंगे। नवम का जो है बारह से कनेक्शन स्वामी, होना चाहिए। हाँ पहले तो देख लिया बुध है नवम भाव का, तो बुध के सूचक देखें, बुध 7, 8, 5, 10, 6 और 9 का है। ठीक, ओके, इतने भावों का सूचक है, तो पढ़े लिखे के लगभग ठीक ठाक है। अब 12वें भाव का उपस्वामी राहु है जो विदेश यात्रा बताएगा, तो 12वें भाव का उपस्वामी राहु है, तो राहु को देखा 9, तो 12 जुड़ गया 9 से, फिर 3, तो 12 का संबंध 3 9 से, मतलब 100% विदेश यात्रा तो होगी ही होगी। ठीक, अब चल रही दशा, दशा बोल रही है क्या, केतु, केतु को देखिए, केतु 3 का सूचक और 9 का सूचक, बहुत अच्छी बात है, 3 9 का ही सूचक है। ठीक है, तो केतु भी 3 9 यानी लंबी यात्रा तो बता रहा है। अब भुक्ति स्वामी को देखें, शुक्र, शुक्र को देखिए 8, 7, 6, 9, 5 और 10। अब यह 8 आ जाने से, और नवम का भी है, 8 आ जाने से थोड़ी रुकावट की बात तो है। तब ये देखें कि शुक्र की भुक्ति है कब तक, 21 जून तक है और जाना अभी है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन केतु और शुक्र दोनों को मिला लें, तो चलिए हम ये कह सकते हैं कि विदेश जाएं। लेकिन अब देश काल परिस्थिति, ये जिस देश में जाना चाहते हैं क्या वहां पर अभी लोगों को आने की अनुमति भी है कि नहीं, विदेशी लोगों को, ये परिस्थिति है, ये पता कर लेना चाहिए। दूसरी बात, दशा स्वामी शुक्र केतु को देखें कि केतु किसके नक्षत्र में गोचर में चल रहा है, केतु चल रहा है गुरु के नक्षत्र में, तो गुरु किन भावों का सूचक है, गुरु की भी अनुमति है कि नहीं। गुरु 8, 3, 8, 3 और 12 का है। पुराने जमाने में 8वें भाव को समुद्री यात्रा का भाव लेते थे, कि तब प्लेन नहीं चलते थे, है ना? अब आजकल नवम भाव को लेते हैं, तो यह 8 का तो विरोध कर देता है। ठीक है, तो यहां पर गोचर की वजह से हम कह सकते हैं कि देरी है इसमें। फिर केतु का जो है उसको आगे बढ़े अपन गोचर में, तारीख आगे बढ़ा के देख लेते हैं कब, तो वीकली बढ़ा है, तो केतु गुरु के नक्षत्र में तो अभी लंबे ही रहेंगे, ये तो बहुत लंबा रहेगा। फिर बाद में राहु के नक्षत्र में आएंगे, ये राहु के नक्षत्र में कब आ रहे हैं, केतु राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं इधर 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को राहु के नक्षत्र में आ रहे हैं, और राहु का हमने जैसा कि देखा कि 12वें भाव का उपस्वामी होके 3 और 9 से जुड़ा हुआ है, तो 3 9 12 का अब परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो ऐसी वर्ष जो है ये अक्टूबर में जा सकते हैं, उसके पहले का योग नहीं दिखता। फिर अब देखिए क्या ये सर्विस करेंगे, तो पहले 10वें भाव को देखिए, 10वें भाव का चंद्रमा, चंद्रमा क्या 2 6 10 11 में से किसी का सूचक है, 8 11,
11 का मिल गया, 6 का भी मिल गया, चलिए 100% इनका जाप्त है ना, ठीक है। छठे का देखा तो राहु है, राहु को हम पहले देख चुके हैं, वो 9 का है और राहु 9 और 3 का है, ये कम्युनिकेशन फील्ड को बताते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इनके भाग्य में जॉब करना लिखा है। अब इनकी पत्रिका पर नजर डालें तो ये मकर लग्न की पत्रिका है ना। लग्नेश शनि जो है सप्तम भाव में है, शुक्र के साथ है, दोनों मित्र हैं, तो ये अच्छा है यहाँ पर शनि शुक्र का मेल। लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य मंगल गुरु पे, तो सूर्य पे दृष्टि पड़ने से पिता पुत्र में असहयोग होना, फिर पिता से दूर रहने पर इनको लाभ मिलना, फिर अष्टम भाव में बुध अकेला है, किसी ग्रह के साथ होता तो ज्यादा अच्छे फल देता है ना। यहाँ पर अष्टम भाव में अकेला बुध होना ठीक नहीं है, फिर भी चलेगा। अब राहु केतु देखिए यहाँ पर चतुर्थ में बताया था कि अष्टम भाव का बुध अच्छे फल देता है, अच्छे फल देगा किसी एक ग्रह के साथ हो तो, अकेला थोड़ा कमजोर, भले राहु केतु के साथ हो सर, हाँ अकेला थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन ये ज्योतिषी के लिए अच्छा है अष्टम में बुध होना, है ना सर। यहाँ शनि चंद्रमा की राशि में है तो पुनर्भू नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, राशि से नहीं होता, दृष्टि से, नक्षत्र से। अच्छा, अब शनि क्या ये हो गया लग्न पर, अब ये राहु केतु यहाँ आ गए तो माता पिता में से किसी एक का सुख कमजोर होगा इनका, है ना, एक का सुख कमजोर होगा, जल्दी खत्म हो जाएंगे। और खास तौर पर देखें तो यहाँ पर छठे भाव भाग्य का स्वामी देखिए बुध एक घर नीचे चला गया, तो इनको बड़ा संघर्ष भी रहेगा लाइफ में, ये भी हम कह सकते हैं। और चंद्रमा वृश्चिक राशि का है तो इनको वाणी पर संयम रखना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इनके लिए, है ना। अब इनके चलिए यहीं से आप इनके आगे विवाह के बारे में विचार कीजिए। तो सप्तम भाव का सब लॉर्ड सर राहु, राहु सर आठ, 9 का है सर सूचक और 3 का है, 9 3 सर, बस 9 3 का है। तो फिर सर क्या क्या बोलेंगे सर विवाह? तो भाई दो 7 11 में से किसी एक का सूचक है क्या? किसी का भी नहीं है। हाँ है ना, तो क्या ये सप्तम भाव के विरोधी हैं क्या? 1 6 10 या 4 6 10 या 6 10 12 आया नहीं क्या? है नहीं है, तो विवाह तो फिर होगा, विवाह हाँ। होगा है ना, कब? ठीक, तो कब के लिए हम अब 2 7 11 की सूचक लेंगे। अब चूंकि हाँ, पढ़ाई कर रहा है इसलिए अभी इसका लेने का कोई मतलब नहीं है ना, हाँ ठीक, अभी तो पढ़ाई कर